जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में ए बी पार्टनर्स हैं। यहां पर लिखा है, ठीक है, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 6 कैरिंग टू रिजर्व। तो यहां पर इसका मतलब अगर हम देखें तो जो आपके रेशो बनेंगे बेटा वो बनेंगे ए बी का 3:2 और बाकी जो प्रॉफिट है उसका 1:6 जाएगा रिजर्व में। ठीक है, तो हमारा जो रेशो है वो बेटा 3:2 है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद यहां पर सी को उन्होंने पार्टनर बनाया, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 17 मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोगों की बुक में क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट है उन पे हमें टिक कर लेना है। सबसे पहले स्टॉक पे टिक कर लीजिएगा बेटा, फिर क्रेडिटर्स पे और उसके बाद डेटर्स पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले दे रखा है बेटा कैपिटल का बैलेंस, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और ये है बेटा 50,000, 40,000, राइट। उसके बाद दे रखा है बेटा रिजर्व, तो रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा बेटा, इट विल बी 6,000, 4,000। ठीक है, उसके बाद दे रखा है बेटा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के नाम की एक लायबिलिटीज है बेटा कि क्रेडिटर्स के नाम की एक एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ 4,000 व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट एट 3,200। यानी क्रेडिटर्स में हमारी 4,000 रुपए की लायबिलिटीज थी जिसको कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया 3,200। ये तो आपको फायदा हो गया बेटा, हमारी फर्म को फायदा हो गया, हमें क्रेडिटर्स को जो इंक्लूड किया हुआ अमाउंट वो 4,000 का, बट पे कितना करना है 3,200। तो यहाँ पर 800 रुपए के क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए और 800 रुपए का हमें बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, इट विल बी 800। और जो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं वो अब आपको लिखने हैं बुक में है 20,000। ठीक है, उसमें से 800 माइनस करो, आपको फायदा हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा 19,200। क्लियर है। अब इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेके भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, इसको ऐसे कैसा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड में, और ये कितना होगा बेटा अपना 5,000। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं असेट साइड में। असेट साइड में आपको बिल्डिंग दे रखा है बेटा, और बिल्डिंग की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको इतने का इतना जो आपकी बुक वैल्यू है उतनी वैल्यू लिख देंगे, बिल्डिंग 50,000। फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, अपना 30,000। फिर इसके बाद स्टॉक, अब देखिए यहां पर स्टॉक की आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, गिवन है स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%, यानी बुक में जो आपको स्टॉक दिखा रखा है वो 10% अंडरवैल्यूड है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू होती है 100%, तो ये 10% अंडरवैल्यूड है, तो इसका मतलब ये बेटा 90% है, और 90% की वैल्यू दे रखी है 18,000, तो 1% हो जाएगा बेटा 18,000 अपॉन में 90, और 100% हो जाएगा इनटू में 100। ठीक है, दैट विल बी 20,000। तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू हमारी 20,000 की थी और हमने बैलेंस शीट में 10% लेस करके दिखा रखा है, तो यानी 2,000 रुपये हमारी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक 20,000 और यहाँ पर आप लिखेंगे बाय स्टॉक 2,000। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद रखा बेटा डेटर्स। अब डेटर पे भी यहाँ पर कई सारी एडजस्टमेंट है,
देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहां पर डेटस इनर कॉलम में 22,000। अब इसकी एडजस्टमेंट गिवन है बेटा रुपीज 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स बैक टू द फुल एक्सटेंट, यानी 2,000 रुपए एक्स को पे करने थे हिवादावा डेटर्स, बट वो सारे का सारा पैसा डूब गया, तो 2,000 रुपए का बैक डेट तो हो गया बेटा ये, ठीक है। और 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई, ठीक है, ही बिकेम इंसॉल्वेंट, स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%, यानी जो उसकी स्टेट है उससे हमें मिल सकता है केवल 50% 4,000 में से, यानी 2,000 रुपए यहां पर भी डूब गया और 2,000 रुपए ऊपर भी डूब गया, ठीक है। तो हमारा बैड डेट्स हो गया बेटा आपका 4,000। तो यहां पर हम लिखेंगे टू डेटर्स या फिर बैड डेट्स, ये हो जाएगा आपका 4,000, ठीक है। और यहां पर डेटर में से अब लेस कर देंगे बैड डेट्स 4,000, ये आ जाएगा आपका 18,000। क्लियर है? तो यहां तक हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब बात करेंगे बैंक की, बैंक की बने तो एज यूजुअल जो हमारा बैंक है बेटा वो हमें इनर कॉलम में लिखना है, दैट इज 5,000, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलते हैं हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट एडजस्टमेंट की तरफ। तो पहली एडजस्टमेंट है सी ब्रिंग इन 25,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल, तो यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, अब बाय बैंक के नाम से सी की कैपिटल बढ़ा देंगे 25,000, ठीक है। और यहां पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, हम लिखेंगे एड सी कैपिटल 25,000, इट विल बी 30,000, राइट। अब उसके बाद लिखा है सी आल्सो ब्रिंग 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल, सी 5,000 रुपए 1/5 शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आया है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे बेटा एड प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है। टोटल आ जाएगा बेटा यहां पर बैंक में 35,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेके आया हुआ नया पार्टनर, वो किसको देंगे बेटा ए और बी को दे देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और कुछ नहीं लिखा तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सा होगा ओल्ड रेशो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 ए को 2,000 बी को, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग लॉस निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए डेबिट साइड में लॉस है 4,000, क्रेडिट साइड में 2,800 प्रॉफिट है, तो लॉस हो जाएगा टोटल 1,200 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू आप 1,200 पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करोगे ए बी, ठीक है। रेशो है 3:5, 3:2, तो 3:5 इसको मिलेगा 1,200 का और 2:5 बीबीएल मिलेगा, तो ये बेटा 7,20,480। और जैसे ही आप ये बंद करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है आपको पता है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर लॉस है हम यहाँ लिखेंगे बाय टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ए का होगा बेटा 7,20, बी का होगा 480, ठीक है। अब हमने सारी चीजें कर दी, हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट बंद करने के बाद उसका बैलेंस लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में आपका आंसर आ जाएगा, तो बेटा 59,000, ठीक है। ये हो गया आपका 46,000, ये हो गया 25,000, ठीक है। यहाँ पे आप प्रूफ बैलेंस शीट लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 59,000, इसमें से 720 आपने माइनस कर दिया 58,280 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आप देखें कि 46,000 है, ठीक है। तो 45,000
520 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा, राइट। तो अब इसको लेकर जाएंगे हम अपना बैलेंस शीट में, यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल लगाऊं ए बी सी, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 58280, ये हो जाएगा आपका 45520, ठीक है। इसमें ये 25000, ठीक है। इसका आप टोटल करें तो ये हो गया आपका 10800, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 18,500, तो मेरा 128,800 नहीं आना चाहिए, आई थिंक चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से सारी चीजें ठीक है, उतनी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, ठीक है। 28,800 है, 29 हो गया, 29 और 5 34 153,000, 153,000। और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1,53,000, हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो बेटा हमने कर लिया अपना, क्वेश्चन नंबर 17।